नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों, एक बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यानी दोस्तों, जो कि आपकी मई में परीक्षाएं होने वाली है, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। और वो किस कारण की वजह से किया गया है और कौन सी परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है और किस डेट को स्थगित होने वाली है, पूरी अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जेएनयू की, जिसकी परीक्षाएं 19 मई से स्टार्ट होने वाली है। यहां पर देख सकते हो, इंटरनेट बंद होने से बी फार्मेसी की परीक्षाएं स्थगित। जोधपुर जैन आर्य व्यास विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 के बैचलर ऑफ फार्मेसी प्रथम सेमेस्टर की 6 मई और वर्ष 2021 के बैचलर ऑफ फार्मेसी चतुर्थ सेमेस्टर की 9 मई से ऑनलाइन आयोजित होने वाली परीक्षाएं जोधपुर जिले में इंटरनेट सुविधा बंद होने के कारण से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। जिले में इंटरनेट सुविधा बहाल होने के पश्चात नई समय सारणी जारी कर दी जाएगी। फिलहाल तो देखिए यहाँ पर कि जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के जो प्रथम सेमेस्टर की 6 मई की परीक्षा होने वाली थी, जो कि आज थी, और साथ में जो 9 मई की परीक्षा होने वाली है, जो कि कल या परसों होगी, वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बाकी दोस्तों, इसको लेकर नई समय सारणी जारी की जाएगी। जब भी जारी की जाएगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो साथ में एक बड़ा नोटिस और जारी हुआ है, जो कि जेएनयू के जो छात्र हैं उन सभी के लिए जारी हुआ है कि परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। और जैसे यहाँ पर परीक्षा आरंभ होने से एक दिन पूर्व तक ₹500 शास्त्री पेनल्टी के साथ विश्वविद्यालय से के संबंधित संकाय महाविद्यालय संग्रहण केंद्रों में जमा करवा सकते हैं। अगर किसी ने अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भराया, चाहे वो नियमित हो, भूतपूर्व हो या सहपाठी स्टूडेंट हो, तो अपना जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, वो आप जमा करवा देना। और परीक्षा के एक दिन पहले ही आपको ₹500 पेनल्टी शुल्क के साथ में विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। बाकी दोस्तों, ये अपडेट थी। दोनों नोटिस आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पर जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, गुड बाय।